नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था डायग्राम पे, डोल आई एम स्टार्टर पे, थ्री फेज स्टार्टर। तो यहाँ पे ये डायग्राम है जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो स्टार्टर कैसे कार्य करता है उसके ऊपर मैंने बनाया था, और इसका वायरिंग डायग्राम है पूरा, तो इस पे वीडियो मैंने बनाया था। आज आपको बताऊंगा कि जो ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटो स्विच जो होते हैं, पांच तार के, ये हमने एक ऑटो स्विच खोल रखा है, ठीक है। तो इसका छोटा सा एक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा सिंपल सी भाषा में, जो सबको समझ में आ सके, और ये किस तरह से वर्क करता है पांच तार वाला, ठीक है। और फिर इसके कनेक्शन कैसे इसके अंदर करते हैं इस डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा, और प्रैक्टिकल वीडियो मैं कनेक्शन की भी अपलोड कर दूंगा बाद में। कल आपको वीडियो मिल जाएगी प्रैक्टिकली इसका जो कनेक्शन होता है स्टार्टर के साथ, उसकी वीडियो। तो पहले भी हमने एक वीडियो डाल रखी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो स्विच जो होता है पांच तार वाला, वो कैसे वर्क करता है और कैसे उसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पांच स्टार वाले ऑटोमेटिक ऑटो स्विच होते हैं, उसके अंदर इस तरह के कलर के तार देखने को मिलते हैं। पांच तार होते हैं, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पीला हो सकता है, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, या और भी अन्य कलर हो सकते हैं। और सभी ऑटोमेटिक जो होते हैं, अलग अलग कंपनी के, सभी में अलग अलग तरह के तार होते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि कौन सा तार कहाँ पे लगाया जाता है। तो पहले मैं इसके जो तार होते हैं ये किस तरह से कार्य करता है वो आपको समझा देता हूँ, फिर आपको तार लगाने में आपको बताऊंगा। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। इसके अंदर दोस्तों ये हमने ऑटो स्विच बना दिया है, इसके अंदर आपको पांच तार देखने को मिलते हैं, सात तार का भी आता है। एक तार आपको यहाँ पे रेड कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा तार ब्लू आपको देखने को मिलेगा, येलो तार आपको देखने को मिलेगा तीसरा, ग्रीन तार आपको देखने को मिल सकता है, और एक कलर और होता है ब्लैक मिल सकता है आपको, या कोई और अन्य कलर भी देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि इसमें ऑटो स्विच में पांच तार निकले हुए हैं, उसी तरह के हमें कलर यहाँ पे
बना रहा हूँ। तो टोटल 5 तार हैं। इसके अंदर एक स्विच लगा होता है इस तरह का, एक साइड तो होता है ऑटो स्विच, एक होता है मैनुअल। ठीक है, मैनुअल पे यानी कि मैनुअल पे करने पे इसका कार्य पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो मैं स्विच को बाहर बना देता हूं। ये जो स्विच होता है वो 3 पिन का स्विच होता है, जैसा कि मधानी मोटर के अंदर, मधानी के अंदर मिलता है। इसकी 3 पिने होती हैं इस स्विच की। ये जो तार आप देख रहे हैं, ये जो स्विच है इसके अंदर यहाँ पे लगा होता है, बीच में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, ये स्विच है ये वाला। तो ये जो आप रेड तार आप देख रहे हैं वो इस स्विच का एक तार होता है। दोस्तों जो ये बीच वाला पॉइंट है, ये वाला तार आता है इससे। ये वाला पॉइंट ये अंदर का बता रहा हूं, इसका ऑटो स्विच का अंदर का सिस्टम। दोस्तों एक तार और जो ब्लैक वाला है वो 1 पिन से आता है, ऊपर वाली से हो सकता है, नीचे वाली से हो सकता है। ठीक है, किसी से भी हो सकता है। तो एक तार तो रेड हो गया, जो दूसरा तार है वो है ब्लैक। ये किसी भी साइड आप लगा सकते हैं या किसी भी साइड लगा होता है। ये हो गया ब्लैक तार। तो ये दो तार मिलकर ये रेड तार है और ये ब्लैक तार है। ये जो ब्लैक तार आप देख रहे हैं ये मैनुअल के लिए है, और यहां पे जो तार है वो ऑटो के लिए कार्य करता है। तो यहां पे हो गई इसकी पीसीबी। ये होगा इसकी पीसीबी ये वाली। यहाँ पे इसमें एक ट्रांसफॉर्मर भी होता है, ऑटो कट वाला सिस्टम भी होता है। तो इस पीसीबी के अंदर ये तार जाता है। ठीक है, एक तार तो पीसीबी के अंदर ये जाएगा और बाकी बचे तार हैं। हमने लाल वाला ले लिया है, ये स्विच में है, ये ब्लैक यहाँ पे है। बाकी 3 तार जो हैं ब्लू ग्रीन येलो, ये 3 तार भी पीसीबी के अंदर जाते हैं, पीसीबी से डायरेक्टली निकल के आ रहे हैं ये 3 तार। तो यहाँ पे जो आप तार देख रहे हैं ये मेन तार था, जिसके अंदर फेस डाला जाता है। ये फेस घूमता हुआ यहाँ से मैनुअल के लिए निकल जाएगा, और अगर हम स्विच को इस तरफ दबाएंगे तो ये यहाँ पे कनेक्टिंग होगी इसकी, और पीसीबी से होता हुआ ऑटो के लिए एक तार निकलेगा। तो इसको आप एक फेस हो गया है, फेस 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फेस
डायरेक्टली यहाँ पे चला जाता है, फेस वन, फेस टू पीसीबी के अंदर दो तारे, और तीसरा हमको यहाँ से स्विच के थ्रू मिलता है फेस थ्री। तो ये तीन फेस इसके अंदर जाएंगे, 1 2 3, पीसीबी ऑन हो जाएगा। जब तीनों फेस पीसीबी के अंदर जाते हैं, इस पीसीबी के अंदर, तभी ये जो तार आप देख रहे हैं ऑटो का, ये जो ग्रीन तार है ये ऑटो स्विच का है, ये काम करने के लिए ऑटोमेटिक। तो ये तार तभी बनेगा, ठीक है, ये तार तभी बनेगा जब इसके अंदर तीन फेस होंगे। अगर इसके अंदर तीन फेस नहीं होते हैं तो ये तार नहीं निकलेगा। दोबारा से देखिए, ये है पीसीबी, इस पीसीबी के अंदर तीन फेस जाएंगे, 1 2 3। जैसे ही तीन फेस पीसीबी के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर लगी एक ये रिले होती है, ये ऑन होती है, और ऑन होने पे ये जो तार है, जो ग्रीन तार आप देख रहे हैं, ये ऑटो के लिए वर्क करता है। इसके अंदर ये जो फेस नंबर 3 का तार था, जो कि स्विच से होके आ रहा है, यहाँ से होके आ रहा है, इस मेन से, इसको फेस 3 आप बोल सकते हैं, यहाँ से होके आ रहा है, यही वाला तार यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो ये डायरेक्ट होने पे ये तार जो है यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये जो रेड तार है, हम यहाँ पे करंट दिया, फेस 3 हमने यहाँ पे दिया इसमें, और ये ग्रीन में आ जाता है, यहाँ से हो जाता है, हमने इन किया था यहाँ पे आउट हो जाएगा यही तार, और ये ऑटो का कार्य करता है। जब हम बटन को दूसरी तरफ कर देते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ फेस, रेड में दिया हुआ फेस ब्लैक में निकलता है, ब्लैक में इस स्विच से डायरेक्टली निकल जाता है, यहाँ का कार्य फिर स्विच का, ऑटो स्विच का कार्य खत्म हो जाता है, ये तार डायरेक्ट निकल जाता है, और हमारी जो मोटर है वो मैनुअल चलती है। तो ये कार्य है इसका। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, इस पे हमने कल वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिए, स्टार्टर किस तरह से कार्य करता है। तो स्टार्टर का यहाँ पे दिया फेज 3, ठीक है, फेज 3, ये फेज 3 जो है वो यहाँ पे रेड बटन में जा रहा है डायरेक्टली। तो अगर हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट करना है, ऑटो स्विच को लगाना है, तो यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा इस तार को। अब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कट हो गया है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, फेज 3 की जरूरत पड़ती है इसको मैन्युअली चलाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक तार लगाएंगे जो कि इसका तार होगा, तो यहाँ से हमने दोस्तों इसको कट किया हुआ है, और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक का जो आप मैनुअल वाला मैंने लिख रखा है, ब्लैक तार जो आप देख रहे हैं वो वाला यहाँ पे लग जाएगा स्विच के, ठीक है, ये जो तार है मैनुअल का यहाँ पे लग जाएगा ब्लैक, इस पिन में कनेक्ट हो जाएगा ये वाला तार, और जो ऑटो वाला तार है, जो मैंने बताया था ऑटो वाला तार है जो हमने यहाँ से डाला है, और यहाँ पे निकलेगा ग्रीन तार जो है, वो ग्रीन तार, ये आउट वाला ग्रीन तार है, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा। और बाकी जो तीन तार हैं वो उसमें फेस दिया जाएगा, इसमें ये P3 जो है फेस नंबर 3 रेड तार, ठीक है, ये वाला, ये तार हम यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे P3 पे ही देंगे, इस तार को यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगा, फेस 3 चल जाएगा, और फेस 1 फेस 2 जो है
वो यहाँ पे लगा देंगे, 1 और 2 में लगा देंगे। अगर इसकी फिर रेड लाइट जलती है तो हमको ये 2 तार चेंज करने पड़ते हैं, ये वाले P2 आपस में इसको चेंज करना पड़ता है, फेस 1 फेस 2 को, इनको आपस में, बस इतना कार्य है। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ से हमने तार को कट कर दिया है और यहाँ पे हमने मैनुअल तार को लगा दिया है, ऑटो स्विच वाले को, ब्लैक तार को या जो भी कलर में आते हैं उसको हम लगा सकते हैं। अलग अलग ऑटो स्विच में अलग अलग कलर के तार देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर यहाँ से फेस 3 है, फेस 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ ये तार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये एक ही है, ये अंदर का डायग्राम इसके। तो यहाँ पे जैसे ही करंट आता है तो स्विच के ऊपर बात, अगर हमने स्विच मैनुअल पे छोड़ रखा है तो ये जो तार है मैनुअल में घूमेगा और मैनुअल पे घूमता हुआ ये यहाँ पे सर्किट पूरा हो जाएगा, ये तार यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो हमने कट किया था वो सर्किट पूरा हो जाता है और स्टार्टर का ग्रीन स्विच दबाने पे मैनुअल चलती है मोटर, ठीक है। लेकिन हम दूसरी तरफ स्विच को कर देंगे तो ये जो रेड तार है वो मैनुअल पे नहीं जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये जो कट है कट ही रहेगा और ये तार घूमता हुआ यहाँ पे पीसीबी मदरबोर्ड में जाएगा इसके, और मदरबोर्ड में जाने के बाद ये ग्रीन में निकलेगा। ग्रीन में तब निकलेगा जब इस फेस के साथ साथ ये 2 फेस भी पूरे इसके होंगे, और ग्रीन में निकलेगा तो ग्रीन हमने दे रखा है यहाँ पे इस पॉइंट में, और ग्रीन में यहाँ पे निकलेगा तो डायरेक्टली जो हमारी कॉइल है स्टार्टर की, कॉइल में फेस 1 तो पहले से ही है, सेकंड डालना पड़ता है एक फेस और, तो ये फेस यहाँ से रिले से होके आ रहा है यहाँ पे, तो ये फेस डायरेक्टली पूरा हो जाएगा, फिर ये ऑटो स्विच से ही चलेगी, यानी कि बिजली आते ही सीधा का सीधा चलेगा, सीधा का सीधा कॉइल में करंट जाएगा, इस पत्ती का कोई कार्य यहाँ पे नहीं रहेगा, ये चीज है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर ऑटोमेटिक से ही ये बंद होगा सारा सिस्टम, इन बटनों के कोई कार्य इसमें नहीं रहेंगे, ये तार जो है फेस 3 का ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा सीधा का सीधा। तो ये वर्किंग है इसकी, इस तरह से ऑटोमेटिक 5 तार वाला जो होता है वो वर्क करता है। बाकी जो 7 तार वाले होते हैं और भी अलग अलग आते हैं तो सभी इसी तरह से ही वर्क करते हैं, फिर भी एक वीडियो हम 7 तार वाले ऑटोमेटिक पे भी हम बनाएंगे। और इस वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, फिर भी कोई भी आपको दिक्कत रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम इसके तारों को जोड़ के बताएंगे। इसमें पहले भी हमने वीडियो डाला हुआ है लेकिन एक वीडियो फिर हम दोबारा से डालते हैं, तो उसमें ऑटो स्विच को डोल आईएम स्टार्टर से कनेक्शन की वीडियो हम डालेंगे और इंस्टॉलिंग करके भी दिखाएंगे कंप्लीट कि कैसे जोड़ा जाता है उसका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ छूट गया हो इस वीडियो में तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।